नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और आईबन 24 पर आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ में कुछ 500-500 के नोट हैं। हालांकि इन नोटों की कुल वैल्यू क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, यानी क्या अमाउंट है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो शख्स आकर बताएंगे या फिर वो शख्स आकर क्लेम करेंगे हमारे आईबन 24 के दफ्तर में, जिन्होंने कुछ ही देर पहले एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया होगा, कुछ अमाउंट विड्रॉ की होगी, लेकिन वो भूल गए एटीएम मशीन से अपने पैसे लेकर जाने। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, दो शख्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, आपस में दोस्त हैं और करनाल के ही एक एटीएम मशीन के पास जाते हैं ताकि कुछ अपना काम करवा सके, लेकिन जैसे ही अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये देखते हैं कि मशीन में पहले से ही कुछ नोट वहां पर हैं। और ऐसे में आधा घंटा ये इंतजार करते हैं कि ये नोट लेने के लिए, ये पैसे लेने के लिए वहां पर कोई आ जाए, लेकिन वहां पर कोई पहुंचता नहीं है। उसके बाद ये जरूरी समझते हैं कि आईबन 24 के क्यों ना दफ्तर जाया जाए, क्यों ना एक वीडियो करवाई जाए ताकि पता लग पाए कि आखिर ये नोट किसके हैं। भैया, क्या आपका नाम है और कैसे यहाँ तक आना हुआ? मेरा नाम अमित राणा है। मैं सुबह एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए गया, जैसे ही मैं अंदर बढ़ा, ये पहले से निकले हुए थे पैसे। ये पैसे थे कुछ? हाँ, वहाँ पे कुछ थे, 500-500 का नोट थे सारे जितने भी आए। तो मैंने ले लिए, मैं खड़ा रहा, मैंने वेट किया, मैंने जो जिसके होंगे वो आके ले जाएगा। तो कोई आया नहीं, आधा घंटा हो गया था। आधा घंटा आपने इंतजार किया कि कोई आ जाए, कोई अभी अभी गया हो आपसे पहले? कोई आपसे पहले था वैसे वहाँ पे? कोई नहीं था मेरे से पहले। कौन सी ब्रांच में गए थे आप? ये SBI की ब्रांच है, रेलवे रोड पे, लड़के रेलवे रोड पर, सी पॉइंट के नीचे है, लड़कियों के स्कूल के आसपास। हाँ, लड़कियों का स्कूल सामने ही है, उसके सामने ही है ये। तो मैं गया था, उसके बाद कई आदमी आए, उन्होंने पैसे निकलवा के चले गए। मैं कोई आएगा पूछेगा तो मैं दे दूंगा उसके। हाँ जी, कोई आया? कैमरा वगैरह तो लगे होते हैं एटीएम मशीन में, आपने देखा नहीं कि चलो कोई मुझे नहीं देख रहा, क्या ही पता लगना है, मैं अपना नोट उठाऊं और चलता बनूं, पार्टी हो जाएगी एक दिन। नहीं नहीं, मैम इतने पैसों में क्या, किसी गरीब आदमी के पैसे हैं? हो सकता है, चाहे देखिए कोई गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, पैसे तो मुझे लगता है नोट हर किसी के लिए जरूरी है, और किसी ने न जाने अपनी किस जरूरत को पूरा करने के लिए विड्रॉ करवाए। जब भी हम आपके पास आए, मगर जिसके पैसे हैं उसको मिल जाए, जो भी देख रहा हो। आपने अपना काम भी किया या सिर्फ नोट ही लेके आए हो? वो तो मैंने निकलवाया ही नहीं, फिर मैं आएगा मैं चलेगा, मेरे को टाइम हो गया था ना, जाना था काम से, जाना था, मैं चला गया फिर वहाँ से। तो ना अमाउंट मैंने बताया, ना अमाउंट आप लोग बताएंगे कि क्या इसकी वैल्यू है जो नोट मेरे हाथ में है। तो वैल्यू तो वही आके बताएंगे जो क्लेम करेंगे कि हाँ मैंने निकलवाए थे। हाँ, वो मेरे को टाइम भी याद है, उस पर मैसेज भी आएगा उसके फोन पे, पैसे कितने कटे हैं कितने, वो आएगा दिखाएगा तो ले जाएगा जिसके भी है वो दिखा जाएगा। हाँ, दिखा जाएगा। आपने टाइम भी यानी नोट कर, नोट सब नोट कर लिया मैंने, किस टाइम से किस टाइम तक। चलो, यानी जब वो आएंगे हम आपका भी नंबर रख लेंगे, हम आपको फोन करके पूछेंगे, आप हमें वो टाइमिंग ही नोट करवा जाना कि टाइमिंग क्या है, ताकि जो क्लेम करने आएंगे हम उनसे भी पूछ पाए सारा अमाउंट क्या है और कितने बजे वो गए थे। हाँ, वो सब। तो क्या लगता है कि यानी उन्होंने विड्रॉ करवा लिया, ट्रांजैक्शन पूरी प्रोसीड करवा ली, लेकिन नोट नहीं उठा के गए, ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार एटीएम मशीन हैंग हो जाती है, कई बार लेट प्रोसेसिंग होती है। वो चला गया होगा जिसके थे, वो करके चला गया होगा, तो बाद में निकल दिए होंगे एटीएम ने, उस टाइम वो था नहीं, तो मैं गया, मेरे को दिख गए सामने ही, मैंने निकल लिया। तो लोगों से अपील करेंगे वीडियो को शेयर किया जाए ताकि किसी की मदद हो सके। हो सकता है कोई वाकई में बहुत ज्यादा गरीब इंसान हो, हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो पहली बार एटीएम मशीन इस्तेमाल करने गया और उसे ना पता हो कि चलो भैया थोड़ी देर वेट ही कर लेता हूँ और पैसे आ जाएंगे। अभी क्या पता, कोई बुजुर्ग हो, कोई भी हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, कोई बच्ची हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जी मैडम, मैं बैंक में भी गया था, बैंक वालों ने कभी इस बैंक ब्रांच में भेज दिया, कभी इस ब्रांच में, तीन ब्रांच में चले गए। वो कहते हैं भाई यहाँ जमा करवा जाओ, कोई आएगा तो हम उसको दे देंगे। मैंने बोला उनको, मैं कोई आएगा तो आप मेरे पे फोन कर देना, मैं उसको दे दूंगा। यानी देखिए, इनके भी ईमानदारी की मिसाल है कि कुछ हजार रुपए ही हैं, कुछ हजार रुपए हैं जिनके लिए ये यानी पिछले आधे पौने घंटे से धक्के खा रहे हैं। बैंक में भी गए, इधर उधर भी गए ताकि पता लग पाए कि किसी गरीब की कोई मदद ही हो जाए। और ऐसे में देखिए, नोट है, नोट तो सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया आप भी साथ में थे? यस मैम। क्या नाम है आपका? सुमित मैम। आप भी अपना काम करवाने आए थे? हाँ जी। तो आपने नहीं आए थे भाई के साथ? आपने नहीं इनको कहा चल छोड़ यार आज पार्टी करते हैं? नहीं मैम, किसी गरीब के आजी पैसे उसको मिल जाए, अच्छा ही होगा, खुशी होगी जम को, खुशी होगी। और मुझे लगता है वो जो आपको दुआएं देंगे बाद में, चाहे हो सकता है महिलाओं, बुजुर्गों, कोई बेटा हो या कोई भी हो, वो आपको जो दुआएं देंगे वो उस पार्टी से बहुत बढ़ के होगी, बहुत ज्यादा जी। तो आईबन 24 के दफ्तर में क्यों आए हैं आप?
मैम यहीं से ही वीडियो देख के कोई आ जाता लोगों का पता चल जाता है। सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जी इसकी। तो सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज्यादा है और आप भी इस खबर को जरूर शेयर कीजिए ताकि मेरे हाथ में जो ये कुछ 500-500 के नोट है पता लग पाए कि ये कितने हजार है। और जो भी इंसान यहाँ पर आएगा, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा, उसे सबसे पहले तो यही बताना होगा कि ये नोट जो महक शर्मा के हाथ में देखे थे आखिर ये इनकी वैल्यू क्या है और कैसे वो इन नोटों को वहां पर छोड़ आए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।